हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो रमजान मच। मुबारक हो आप। आपको भी थैंक यू सो मच सर। बड़ा हंगामा है सर, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होने जा रहा है? और कल जिस तरह से असेंबलीज को कहा गया कि जी डिसॉल्व कर दो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खैर अब तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है या आपको लगता है कि कोई गलत स्टेप लिया गया है? नहीं, दिस इज दो चीजें इसमें आ रही हैं। एक तो अब्यूज ऑफ द सिस्टम एंड दूसरा कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बड़ा एहसान बजाय इसके कि मुल्कों में होता है जमहूरी हकूक जो होते हैं, दे आर द बर्थ राइट ऑफ सिटीजन, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे जमहूरी हकूक खैरात जक़ात की तरह बढ़ते हैं कि जाओ तुम्हें इजाजत है एक तकरीर कर दो वरना हम तुम्हें अमरीकी एजेंट कह देंगे। आप देखिए किस तरह पार्लियामेंट के अंदर डेप्यूटी स्पीकर किसी और का नोट आके जो पहले से टाइप हुआ हुआ था उसने कहा क्या भैया क्या है ये, अच्छा, मुझे ये बोलना है आपको, ये बोलना ऊपर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ इतने मुल्क दुश्मन लोग बैठे हुए हैं इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता। कैन यू बिलीव इट, वो पूरे को चार पांच छह पार्टियां 190 पीपल वर डिक्लेयर्ड एज एनिमी ऑफ द स्टेट एंड देयरफॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज डिसअलाउड एंड इट डिसॉल्व। घर जाओ बच्चों, आज छुट्टी है सबकी सब। और उन्होंने कहा कि सेशन उन्होंने क्लोज कर दिया और कहा कि अगला अगली डेट तक नहीं दी कि दोबारा कब होगा, कहेंगे बता रहे हैं। उनको पता ही नहीं था बेचारे को कि अगली डेट होती है कोई, उसको तो डिप्टी स्पीकर को भेजा, वो कैसा भागा वहां से आपने देखा होगा, अम्मा करके भागा वहां से कि पिटाई ना हो जाए। और वहां बड़ी खबर ये आ रही कि बिजली बंद हो गई, पानी अब वजू कैसे होगा तो सारे के सारे लोटा और पानी लेके वजू कर रहे हैं। नहीं, लाइट लाइट शायद इसलिए बंद की थी क्योंकि जो पोजीशन थी वो कह रही थी कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, उनको भगाने के लिए शायद बंद कर दियो। अच्छा, तो वो जैसे पैदा तो एयर कंडीशनिंग सारे उसमें हुए। बहरहाल आपके मुल्क का तमाशा दुनिया देख रही है और उसके अंदर जो लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं उन्होंने यहाँ टोरंटो में फांसी दो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिनको मैं किसको फांसी दो, किसी को भी दे दो, इमरान खान ने फांसी दी है, इनको ठेका दिया फांसी देने का, तो डाउन टाउन के अंदर आके झंडे लगा के बड़ा बड़ा तुर्रम खान यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैकेनिकल इंजीनियर सीईओ सब जिथे दिखोती होते या इकलोती वो सारे हो गए गोली मार के गुंडे लालू खेत के और यहाँ नाच रहे फांसी दो भाई फांसी दो फांसी दो भाई। यानी दिस इज यू पास बाय इनको क्या हो गया, यहाँ डेथ हमारे यहाँ मर्डर को डेथ सेंटेंस नहीं होती, वी डोंट हैव दैट। ये खड़े होकर सड़क पे नाच रहे हैं डाउनटाउन में, लोग पूछ रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद देम। तो मुझे ये बताइए क्या कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है इस तरह के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उसने कहा कि नहीं जी मैंने तो हटना ही नहीं, मैंने तो इधर ही रहना है, और इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए हों जैसे इमरान खान कर रहे हैं? ये बिल्कुल इस तरह का तो नहीं हुआ, बट अर्ली 50s में मौलवी तमीजुद्दीन थे स्पीकर पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली, अभी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस वक्त ऐसी गड़बड़ हुई थी कि स्पीकर को उठा के ले गए या समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट क्लियर, आई वाज विद, खैर मैं आई मस्ट हैव बीन 4 years old at that time, बट ये जो 49 से 58 का जो दौर है इसमें एवरीथिंग वाज अलाउड, मारपीट होती थी, लाठी चार्ज, सब कुछ तमाम, कराची कैपिटल था ना तो मिजाजी और था उसका। बट ये जो हुआ है ये तो आप देखें ना, काम ही इंग्लिश किया है ना अंग्रेज के बच्चे ने, उसने डेप्यूटी स्पीकर से वो खत पढ़वाया है जो स्पीकर के सिग्नेचर का है, जब जिसने पढ़ा है उसने आंख भी नहीं झपकी के मैंने की कह रहे हैं भाई तू, उसने कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटर, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग,
आई शुड गेट द हेल आउट ऑफ हियर, डू यू हैव रिमोर्स? भागा खिड़की से, ये अंदर बैठे रह गए और पीपल्स पार्टी वाले करो भंगड़ा डाल, ऐसी जीत गए, ऐसी जीत गए. दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तान, नॉट इमरान खान. दिस शोज के वी आर, वी हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ द प्रिमिटिवनेस जो अय्यूब खान और भुट्टो के 10 साल के अंदर तबाही मची इस मुल्क के सोचने की, और फिर जियाउल हक ने जलील किया हमें. जो 50s 60s के अंदर जो सोच थी, आई एम टेलिंग यू, पीपल वर फार मोर एथिकली प्रिंसिपल, उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम का पता था. हो सकता है इसके वो सब अंग्रेज के जमाने के इलेक्शंस में हिस्सा लिया था 46 के, तो आवर पेरेंट्स न्यू, या दूसरे लोग थे कि क्या चीज क्या होती है, यू नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन में क्या फर्क होता है. यहाँ तो कोई सिलसिला ही नहीं है, यहाँ स्पीकर आया, किसी और के नाम का खत पढ़ के चला गया और असेंबली डिसॉल्व कर दी. आप लोग जो हैं सब वो हैं क्या, फॉरेन एजेंट्स हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, हाँ ट्रेटर हैं. एंड बिकॉज द ट्रेटर अंडर सेक्शन 2 पॉइंट, उनको ये सब कुछ आता है, आर्टिकल 3 सेक्शन फलाना फलाना, ये ऐसे बोलते हैं. सुनने वालों का ना पढ़ा लिखा आदमी देखो यार, इसको तो सारे झंडे आते हैं, आर्टिकल आते हैं, 1 से Z तक बोल देता. वो डिसॉल्व करके चला गया, ही रन अवे फ्रॉम द हाउस. वो देखते रह गए, एक गाना भी है बड़ा, हम तड़पते रह गए. चोरी चोरी, दिस इज अनबिलीवेबल. एंड दी कॉट ऑफ देम गार्ड. आप सोचिए कि ये इमरान खान का जहन, और वो जो एक और दूसरा पप्पू पाला हुआ है उसने, जो मोटा सा है, फवाद चौधरी, फवाद चौधरी, ऐसा लगता है उसका नाम पीएचडी चौधरी. दे मस्ट हैव सैट टुगेदर एंड सेड यार क्या करें. जैसे बच्चे मिलके किसी परचून की दुकान से रबड़ी चोरी नहीं करते, स्वीट लेके भाग जाए, तू उसको इधर घबरा के रखना, मैं तिल के लड्डू लेके भाग जाऊंगा. वो हालत आ गई असेंबली की डिसीजन लेने के लिए भाग गया आदमी, सबके सब ट्रेटर साबित कर दे. नो कोर्ट, नो हियरिंग, नो रिस्पॉन्ड. वो कह रहे मैं, मुझे क्या जर, मुझे तो सीट मिली हुई है, मैं डिप्टी स्पीकर से स्पीकर बन गया, स्पीकर गायब है, मजे की बात. सो दे डिस्ट्रॉयड द नेशनल पार्लियामेंट एंड रेंडर्ड इट अनफिट टू गवर्न. इट हैज नेवर हैपेंड. मैं कई जगह देख रहा था, जब थोड़ी बहुत कीनिया में जैसे है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीका में भी, नाइजीरिया में भी थी, लैटिन अमेरिका. ऑनेस्ट टू गॉड मैंने कू का सुना है कि जैसे चिली में आयंडे के वो असेंबली को पकड़ के पिनो, जनरल पिनोशे को बना दिया प्रेसिडेंट. ये मैंने नहीं देखा है कि फौज के बगैर इस्तेमाल के कू हो जाए. अच्छा फौज कह रही है अमेरिका हमारा दोस्त है, ये कह रहे हैं वो तो दुश्मन है हमारा, ये कह रहे हैं रूस बड़ा अच्छा है, और फौज कह रही है कि यूक्रेन जो है वो तो हमारा अंग है, कश्मीर से पहले वो बात है यूक्रेन. What does Pakistan have? लेकिन ये हो क्या रहा है, मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको क्या मिलेगा ये करके, और फौज की मदद के बगैर ये कैसे कर रहा है? He is a megalomaniac, egocentric आदमी. वो he really thinks that he is God's gift to humanity and womanhood. तो style इसका आप देखिए, इसकी तस्वीरें उसके साथ मुझे मिली हैं, वो जो who was used to provide women to major clients in England. ये उस कैटेगरी में अपने आप को फिट करते थे. आप you will be shocked at his circle of friends and who he mixed with, और कहाँ जा रहा है और किससे बिहेव कर रहा, और suddenly उसको हो गया क्या वो अबर बिन मारूफ, क्या है कुरान की सूरत है अमर अमर बिल मारूफ, के बस नेक काम करो और झूठी बातों के खिलाफ जिहाद करो.
अरे तो खुद सबसे बड़े झूठे हैं इन्होंने, तो 100 झूठ तो खुद बोल रखे। दैट्स द पॉइंट, या तो ये हो कि सब हट के किसी बबदाता साहब के पास जाके बैठ जाता और कहता मुझे डोले शायद चूहा बना दो, लेकिन मुझे ठीक, मैं माफी मांगता हूँ मैंने इतने झूठ बोले। द मैन हैज डन नथिंग एक्सेप्ट लाई अबाउट हिमसेल्फ। He was not selected in the 1970 tour to England. Pakistan ki team gayi hai. Majid Khan was captain, jis us zamane mein MJ Khan ka aga kaha jata. He never, wo uska halange cousin tha. He didn't want him in the team. Inhone General Barkley se kehke last minute pe jahaz mein bithwa diya. Aur Parrott, halanke wahan pe do fast bowlers the us waqt, Sarfaraz Nawaz and there was another very good bowler. We didn't need a third. इसको डाल दिया और इसके पहले टेस्ट मैच एजवेस्टन में था, इतनी धुनाई हुई इसकी। लेकिन when he was there in the second test, तो भैया माँ बाप जब ऊपर साहब रखते हैं तो हर अमीर का बच्चा जो होता है ना वो हार्वर्ड के अंदर किसी तरह जहीन निकलता है, इधर स्कूल का बच्चा वहीं रह जाता है। तो ये तो ना करें कि हमें बेवकूफ बनाए कि आप यू आर लिविंग इन दी elite circles of society and claiming yourself to be anti-imperialist. ये अमेरिका के दुश्मन वो कर रहे हैं ना, इनको बहुत है। इनसे पूछो 1968 में कहाँ था भाई तू? तुम कहते हो लेकिन लेकिन सर आपको लग रहा है अदालत इनके हक में फैसला देगी या नहीं? क्योंकि एक एक आपकी परमिशन से अगर मैं एक 30 सेकंड का एक क्लिप चलाना चाहूंगी बैरिस्टर फरुख नसीम का, और उनके ऑडियो है सिर्फ, आप वो सुनिए और देखिए वो क्या बता रहे हैं। ये कोर्ट्स में मामला जाएगा, लेकिन आप ये अपने जहन में रखें कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड मूव थी पूरी। तो जब अगर कोर्ट में ये लोग ले के जाएंगे तो ये मूव का सारा कुछ खुलेगा। वो जो एम्बेसडर्स की 30-40 मीटिंग्स हैं, इसके अलावा वो लेटर है, लेटर के ऊपर बड़ा स्मार्टली उन्होंने आपकी सिक्योरिटी कमेटी की स्टैंप लगवा ली जिसमें चारों चीफ्स हैं। तो वो जो थ्रेट है वो भी जेन्युइन हो गया, और थ्रेट जिस बेस पे है वो लेटर में रीज़न लिखा हुआ है कि पीएम को रिमूव करो। तो ये खुद जलील हो जाएंगे अगर ज़्यादा आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन वाले। तो ये आप अपनी तसल्ली रखें कि ये अब इससे आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाने वाली और री इलेक्शन ही होना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। पहले नेशनल सिक्योरिटी का बुला के उस पर स्टैंप लगाई है उसकी ऑथेंटिसिटी पे, और उसके बाद जो है ये सारा कर दिया। अब ये अपोजिशन वाले वो सारी कड़ियाँ उनके पास और भी सारी डिटेल है कि कौन कौन किस किस को मिलता रहे, तो गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है इसलिए। और इस आपको लग रहा है उनकी, आपको उनकी बात ठीक लग रही है क्या? इट इज पॉसिबल they might do pull off this, but who knows, you know, ki kaun si cheez these supreme court judges have to view. So a simple fact that parliament ka dissolution jo hai that was unconstitutional. You cannot simply say aaj se gum, jo case leke gaya aur suo motu jo supreme court ne liya. I'm not a lawyer but the supreme court has to stay there and look as if it is a supreme court, not Mr. Imran Khan's court. ये जजों का भी अदली बदली बहुत होता है। वो जमाना और था जब कराची के देख दो जस्टिसेस होते थे, जो you always felt secure. I forget his name, but there was stability in our judicial system. अब you can never be surprised if somebody's, you know, bribed to do anything. कैसे होगा? अब ये जो जजेस को नींद आ गई और सोए सब और इत्मीनान से नाश्ता करके या सहरी करके अब फ्रेश बैठेंगे, तो रोजा रख के भी उतना ही झूठ बोल सकते हैं जितना रोजा के बगैर रखते थे। रमजान के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान भी बना था रमजान में, तो ये रमजान की वो है बरकतें, आप बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सर ये आखिर आपके ख्याल से ये इमरान खान साहब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मतलब हर गवर्नमेंट जो है वो 3-4 साल में हटाई जाती है, कौन सी नई बात हुई है? ये अपने आप को कहां समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान है? He really thinks he is the heartthrob of entire Bollywood,
and every beautiful woman that walked between London and Islamabad. He genuinely, ye jo, iska zara Freudian analysis kariye. The man is obsessed with how good he looks to how many women. Iska koi shock aur hai nahi. Jiski biwi witchcraft karti ho, what sort of a person has a past in which you spent your time with literally high class upper class pimps, and then you end up with a woman who says ki mera chehra dikha to jhulas jayegi duniya, aur uska husband aake kahe ki sahab mujhe khwab mein aaya tha ki aap meri biwi se shaadi kar sakte ho, aur dur phute mu khuda nikalo. This is a man they chose as prime minister. आपको पता है पंजाब के एक इलाके में एक 17 साल की बच्ची को 3 औरतों ने सड़क पे गर्दन काट के मार दिया और कहा कि जी 13 साल की बच्ची ने ख्वाब में देखा था कि इसने ब्लास्फेमी की है, तो यहाँ पे और क्या उम्मीद हो सकती है. लेकिन अमेरिका के साथ ये टर्म्स बिगाड़ना क्यों चाह रहे हैं बार बार, क्यों अमेरिका के खिलाफ ऐसे तो नहीं चलते हैं. ये घुटने पकड़ के वहां नमाजें पढ़ रहे होंगे कि अभी अभी जो नए लेटेस्ट आया है वो कौन है, कैनेडियन प्रोफेसर जो इस्लाम के नए नए वर्जन छापते हैं. खैर एनीवे, कि उसमें हमने व्हाइट हाउस जाके नमाज पढ़नी है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई. आप समझते हैं कि इन्होंने सीटो सेंटो के पैक्ट्स में अमेरिका को अपनी एयर बेसिस देने के क्या कुछ घटियापन इस मुल्क में नहीं हुआ है कि लियाकत अली खान जैसे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाए और वो परमिशन ले यूनाइटेड स्टेट से कि सर कैन आई गो टू मॉस्को. उन्होंने कहा शट अप, आगे चले वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए. ही दे रिजेक्टेड एन इनविटेशन एट दैट टाइम. आई थिंक स्टालिन के बाद का ही वक्त था ये. क्रुश्चेव वाज द प्राइम मिनिस्टर, दे रिफ्यूज्ड टू गो देयर. अमरीका क्या कहेगा. ये आपको जिना साहब का भी एक वाक्य बता दूं अमेरिका के साथ. क्या पहली मीटिंग हुई इन 1947 बिटवीन द पाकिस्तान बिटवीन मिस्टर जिना एंड द अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान. वो आके मिले कि दे हैड हाउसिंग स्कीम्स फ्रॉम यूरोप. उन्होंने कहा कि वही हट्स ये जहां ब्लॉक 6 के अंदर गोरख कब्रिस्तान के पास नहीं है, वहां महाजिर आके जो बसे थे उनके शेल्टर के लिए. तो आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना ने कहा फातिमा जिना को कि नहीं, इन्होंने कहा कि आपको अगर एम्बेसी के चाहिए तो वी हैव प्रॉपर्टी दैट वी कैन सेल यू. उसने कहा कि नहीं, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है. तो जिना वॉक्ड अवे फ्रॉम देयर एंड टोल्ड फातिमा जिना के ये जो हॉक्स बे के एरिया में जो हमने जमीनें ली हैं आगे हुए अंग्रेजों की, ये आपको पता है कि हंड्रेड्स ऑफ हट्स वर टेकन ओवर बाय मिस्टर जिना एज हिज फर्स्ट एक्ट. उन्होंने कहा ये बेचो इनको. तो उन्होंने मैप लेके बाकी प्रॉपर्टीज रखी फातिमा जिना ने, यू माइट नीड देम फॉर द स्टाफ. ये उस अमेरिकन एम्बेसडर ने अपने बायोग्राफी में लिखा कि वो मुल्क जिसके अंदर खाने पीने का मसला हुआ था 1947 में, उसका फाउंडर जो है वो प्रॉपर्टी डील्स कर रहा था. ऑक्स बे और सैंस्ट्रिट के अंदर ये सब गोरों के होते थे हाउसिंग. वो तो वंस दे लेफ्ट इट वाज लेफ्ट देयर एंड ही टुक इट ओवर. सो फंडामेंटली वी वर क्रिएटेड एज अ करप्ट प्लेस वेयर वी कुड डू एवरीथिंग That is wrong, and then ask Allah for forgiveness. लेकिन आपको क्या लग रहा है कल अदालत जो है क्या फैसला देगी? इमरान खान का कुछ भला होने लगा है या? I think the Supreme Court will say that the dissolution was wrong. I don't think के इतनी बेशरम हो सकते हैं हमारे जज के इतनी सिंपल बात को एविडेंस के ना समझ में आए कि किसी और का खत किसी और ने पढ़ के सुना के डिसॉल्व कर दिया. क्योंकि ये बाकी हंड्रेड ये हमारा देसी तरीका है ना, ये देसी लोगों के गिफ्ट्स भी खोल लेते हैं हमारे यहाँ तो शादियों में.
गिफ्ट नहीं खोल लेते, बाहर पिटाई कराते, देसी स्टाइल होता ना, अंदर ही नहीं आने देते। ये तो अंदर ला के उनको डिटरमिन किया कि आप मुल्क दुश्मन है, यू आर ट्रेटर्स, यू विल नॉट बी अलाउड टू इवन ओपन योर माउथ। तेज तेज, पहले लॉ मिनिस्टर ने कुछ कहा, उनकी भी अंग्रेजी बड़ी तेज चल रही थी, ये भी बड़े तेज बोले, फैसला हो गया, तलाक 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 खत्म, ये आ गया एब्सोल्युटली नॉट। बताइए तो ये एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने कहा भी है कि नहीं? लोग कह रहे हैं कि ये कोई सबूत तो दे, इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कब बोला है? भाई ये कह दे, इतना हैंडसम आदमी झूठ थोड़ी बोलता है। आपने कभी देखा किसी गोरे रंग के आदमी ने कभी झूठ बोला हो? हैंडसम हो, प्यारा हो, वो कौन सी क्रीम होती है रंग गोरे करने वाली, वो लगाता है फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली का बच्चा है भाई ये, तो इसके लिए उन्होंने इसे वो मांगा कि आप जब हट जाएंगे तो आप हमारे उस ट्यूब के ऊपर इसका नाम आएगा फेयर एंड लवली इमरान खान। कुछ और नहीं है, बस फेयर एंड लवली चल रहा है अब तक, ना मैनेजमेंट, ना वो चीनी का जो क्राइसिस हुआ, द फ्रॉड दैट हैव टेकन प्लेस, यू फर्स्ट एक्सपोर्टेड द शुगर, मेड पीपल मल्टी मिलियनेयर्स एंड देन यू इंपोर्टेड इट बैक एंड मेड देम डबल। क्या इमरान खान को भी जेल जाने का खतरा है? क्या इनको लग रहा है इनके भी केसेस खुल जाएंगे और जेल में डाल दिया जाएगा? ये जेल में नहीं जाएगा, इतने गोरे आदमी को कोई पाकिस्तान में जेल नहीं डालता। आपका रंग गोरा हो गारंटी है आपके सामने सब कोई इसी में लगा होता है। देखो ना, यही शादियां इसी पे होती है ना, माशा कितनी गोरी सी माशाल्लाह, यही कहते हैं ना। हाँ तो ठीक नहीं था, मेरा तो कच्चा रंग है, मैं तो गर्मियों में काली हो जाती हूँ और सर्दियों में सही दबा के गोरी होती हूँ, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ जब सितंबर आता है ना, मैं कहती हूँ मैं गोरी होने वाली हूँ, तो फिर मैं 4-5 महीने गोरी रहती हूँ, करीना कपूर लगती हूँ, उसके बाद फिर ना आप सोचिए कि वी आर प्रिमिटिव सोसाइटी, हम अब हम कैसे कहते हैं जरा, हमारे यहाँ पानी का गिलास अलग नहीं होता चौकीदार का, तो क्या रो रहे हैं हम इमरान खान को, रमजान का है ये है फलाना पता नहीं कैसी कैसी कवालियां और उस्तारियां और क्या कुछ कर रहे हैं, एंड देन वी हैव दैट एटीट्यूड। हम कहते हैं औरतों को कहते हैं काम वाली, यानी हम नाकाम है, काम करने वाली वो ही है जो झाड़ू लगा रही है। हर किसी को वीजा चाहिए अमेरिका को, हर एक का दुश्मन अमेरिका है। लेकिन आपको ये जो कहते हैं फौज और गवर्नमेंट को कहते हैं कि एक पेज पे है, तो आपको लगता है कि अभी भी एक पेज पर है या पेज फट गया इनका? पेज क्या होगा, वो कान से पकड़ेगा ठीक कर देगा। अब दोनों के देखिए, ये जो लाल पट्टी वाला है ये लग रहा है दम क्षम है, इसमें बाजवा नाम है ना जी, ये कुश्ती में जीत जाएगा। वो जो है देखिए कितना झूठा आदमी है, जलंधर का है, कहता है मैं नियाजी हूँ और खान हूँ, वो कहीं का नहीं है, उसके घर में उसकी माँ पंजाब। नियाजी भी पठान होते हैं क्या? नियाजी पंजाबी नहीं होते हैं? कहीं भी हो सकते हैं, कहाँ सेटल हो गए? आपने इंडिया में शाहजहांपुर के बिगड़े हुए पठान नहीं सुने देखे? हाँ हमारे तो खानदान में मौजूद है कुछ, शादियों कर आए तो नून नहीं होता उनका, उनका होता है नून गुन्ना। खान साहब कैसे हैं आप? वो खान नहीं होते। You have to understand that when a society is measuring each other by skin color, by family history, by मैं किधर से आया हूँ, मेरा क्या background मेरा क्या है, you are piece of nothing. ये जूते नहीं बना सकते, sweep की swing machine नहीं बना सकते। जितने पढ़े लिखे graduate आंटियाँ आती हैं, आप उनकी गुफ्तगु सुनिए, you want to cut your head off. अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, बोला इतना काबिल तो कोई आया ही नहीं कभी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर। अभी मुझे एक मिली थी किसी टॉक शो में इंडियन, कहने लगी कि इमरान खान का, मैंने पूछा कोई कारनामा बताएं, तो कह रही हूँ इमरान खान तो वो कर रहा है जिसके लिए मुल्क बना था। मैंने कहा किसके लिए बना था? तो वो नहीं पता था क्यों बंगालियों के लिए बना था उसको सत्यानाश कर। इससे कभी नहीं को पूछता कि व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, कुछ तो बता दे। मलेशियन प्रिंसेस के साथ पढ़ता था मैं, मेरी एज का आदमी जो होगा मैं तो उससे हमेशा पूछता वेयर वर यू 71, वेयर वर यू इन 68। हमारे सामने जब हो रहा है, जब
जिस जमाने में हम जेल काट के आए तो तू बच्चा क्या कर रहा था, तेरे ऊपर तो डिक्टेटर बैठे हुए थे, तू किस चक्कर में थे। हाउ ही गॉट ऑन दैट फर्स्ट एवर क्रिकेट टूर टू इंग्लैंड 1970 जिसमें ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल और सरफराज नवाज वर द टू फास्ट बोलर्स, आई नाउ रिमेम्बर। इसने तीसरे ने अपने आप को डाल दिया बीच में। वो ज़हीर अब्बास कहता था बॉल इतनी स्विंग हो रही थी बट वी कुडंट बिकॉज इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लोग थे। ऐसे तो मुल्क चला रहे हैं आप। लेकिन ये सब कुछ होने से सर बाकी दुनिया में क्या इंप्रेशन जा रहा होगा, स्पेशली अमेरिका? क्या आप किसी किस्म की कोई सख्ती कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया पहले दिन, इन्होंने कहा कि अमेरिका का नाम यहाँ पे कहने का, ओ नहीं नहीं मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, और इनके लोग कह रहे थे जी स्लिप ऑफ टंग हो गई है। और अब उसका नाम ले लिया वो बेचारा जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको, हाँ। उसको बुलाया, इनवाइट किया इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कि यार इस चिकन में मुसलमान कर लेते हैं इसको, उसका भी बहुत बड़ा सवाब होता है ना, जिसे लव जिहाद कहते हैं इंडिया में। तो ये भी लव जिहाद कर रहे थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाया, कम कम वी विल शो यू वेरी गुड हु आई सी, वेरी नाइस हु आई सी। उसका नाम लेके आम कर दिया, यू डीलिंग विद द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट who never said anything to you. Do you know that the Pakistani ambassador to the United States did not get his certification? He was the president of Azad Kashmir. Usse pehle China mein Pakistan ambassador tha. American congressman or senators ne kaha the man is a jihadist. He cannot be the Pakistan's ambassador. कोई उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ढूंढ रहा हूं कि भैया उसने तो नहीं डाला खत, किसका खत था ये, कौन भागा, किसने अपना किया कि इधर आओ ये हो जाएगा तो उधर जाओ, उधर कहां से लोग आके खत में लिख रहे हैं, और जो चीज अगर निकालने को आए तो क्या कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है मैं एक ट्रिप वॉशिंगटन का लगाना पड़ेगा हुसैन हक्कानी के पास जाके, मैं क्या होता है। अच्छा उनका भी नाम लिया, कहते हैं हुसैन हक्कानी और उनका भी नाम लेके उनको बड़ा याद किया गया है। लेकिन सर आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इमरान खान का, कि अगर कल अदालत इनके खिलाफ फैसला दे देती है उसके बाद इनके साथ होगा क्या, इनको बस He will run for election if it is an election and बेतहाशा जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में जो इतने खुश होंगे कि इसने अमेरिका के सामने स्टैंड ले लिया था, इज अ वेरी टफ गाय, वो पड़ जाएगा नहीं, मगर इलेक्शन में दोबारा तो नहीं आ सकते, ये दोबारा पावर में तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाएगी, वो नाटाती क्यों? एस्टेब्लिशमेंट को ये ले आए। एस्टेब्लिशमेंट क्या मासूम नहीं हो गई हमारी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे लग रहा है बहुत ही मासूम हो गई है, इमरान खान ने घुमा रखा है। नहीं नहीं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वाइड स्प्रेड होगी। देखिए एस्टेब्लिशमेंट में क्या मतलब है, द चीफ सेक्रेटरीज, द सिविलियन माफिया दैट रन्स दिस कंट्री, उसके साथ मिलिट्री ऑफिसर्स, फिर उनकी शादियां फैमिलीज के अंदर आपस में, फिर वो ज़मीनें जो सिंध में मिलती हैं इनको फ्री में, उनका व्यापार, फिर वो जो पश्तून ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के जो बड़े होकर पंजाबी बनना चाहते हैं, उनका अलग मसला है, पूरी आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है। दिस इज अ माफिया दैट इज रन वे एवरी वन वॉन्ट्स टू ग्रो अप इन अ वे के जाने से पहले सॉलिड नौकरी और करोड़ों पैसा मिल जाए। सो यू डोंट ज्वाइन द आर्मी बिकॉज यू हैव टू फाइट अ वॉर। यू हमारे जमाने में ISSB होता था, पता नहीं क्या, कॉलेज का हर लड़का एग्जाम देता था वो, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटर के बाद अगर आप एक्सेप्ट हो गए वारे नहीं आ रहे आपके, देन यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू वरी अबाउट नथिंग, एंड दैट इज द अट्रैक्शन दैट यू गिव। सोल्जर को वो नहीं मिलता, सिपाही तो वहीं से ट्रक भर भर के ले आओ, भर दो। ये जो लेफ्ट सेकंड लेफ्टिनेंट जिसने बनना होता है ये होती एस्टैब्लिशमेंट। वहां से फिर वो CSP ऑफिसर्स जो जाते हैं, आज के पाकिस्तान में CSP कहते हैं ना उसे, ये हाँ इंडिया में उनकी जो है वो AIS कुछ और है, ये बड़ी बीमारी है। हमारे जो दोस्त अभी रिटायर हो चुके हैं वो अब तक हेलो नहीं कहते मुझसे, पकड़े ना जाए कहीं। उन्होंने अपनी PhD भी की हुई है नौकरियां के साथ ही, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, बट दे आर स्केर्ड स्टिफ, कह दिया कि
से दोस्ती हमारी तो क्या होगा हमारा, रिटायर होने के बाद भी That counts for my closest friends that I had. मतलब उनकी पढ़ाई ने कॉन्फिडेंस कोई नहीं दिया उनको. They came out like little mice. डरपोक, no spine, nothing. हमारे जो पश्तून या बलोच फ्रेंड थे वो तो सॉलिड है, वो ओपनली उनको किसी से डरते ही नहीं है. ये क्लास उर्दू स्पीकिंग पंजाबी खिचड़ी है रावलपिंडी लाहौर कराची की, ये तो आते ही सिविल सर्विस में है या ऑफिसर्स कैटेगरी में आते हैं कि रिटायरमेंट वेस्ट ओपन घर हो, पता नहीं क्या क्या वो चीजें यू नो क्राइटेरिया होती कि वहां सेटल हो जाए हम आके, हमसे कोई वो ना हो, हमें हर दावत में बुलाया जाए, बर्थडे पार्टीज में, वलीमों के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने नई नई सेरेमनीज भी बना दी इंडिया से कॉपी करके, एक संगत होता है और पता नहीं क्या क्या, बट इट इज अ डिस्ट्रॉयड पीपल. आप इस तरह समझिए, इफ पीपल हैव नो एथिक्स. हमारे यहाँ स्कूल में कैरेक्टर बिल्डिंग एक होती थी क्लास, कैथलिक स्कूल था तो बेचारे वो ईसाई बच्चे तो अपने मजहब सीखते थे, हमें कैरेक्टर बिल्डिंग का क्लास था जो 10 साल पढ़ी है. इट टॉट अस सो मेनी थिंग्स कि द वैल्यू ऑफ ट्रूथ. फिलोसॉफिकली लेवल में तीसरी जमात में बच्चे सीख रहे हैं ट्रुथ क्या है और ट्रुथ पे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है. और बड़े बड़े फेमस राइटर्स की बुक्स हमारे कंडेंस्ड होकर होती थी कि आप अपने आप को हाउ टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन. कि वो स्काउट्स ऑनर वो होता था डेली डीड, हर रोज आपको यू हैड टू डू अ गुड डीड. तो आके नोट में एंटर करना पड़ता था कि आज मैंने एक चाचा को सड़क क्रॉस कराया या कुत्ता पड़ा था मैंने साइड पे किया. एवरी डे 10 साल तक हमने लिख के दिया है कि आज हमने क्या काम किया, अच्छा काम क्या किया. हाँ, स्काउट ऑनर और स्काउट बिल्डिंग और पता नहीं क्या क्या कराया खुदा के. आई कैन इवन मेजर विदाउट टूल्स. एक दरिया की डेप्थ क्या है वो तक मुझे हाथ से मैं कर सकता हूँ, बट वो वक्त और था, बातें और थी. वी नेवर इम्प्रूव फ्रॉम देयर, वी रिग्रेस्ड. हमारे स्कूल की दीवारें, घरों की दीवारें 3-3 फीट से ऊपर नहीं होती थी कराची में. यू फ्रॉम देयर यू नो दैट. दीवारों पे पहले कांच लगे, उसके बाद दूसरी दीवार बनी, वो तार लगी है, वो नोक तार लगी है. फिर एक वो चौकीदार आता था मेरे चाचा के घर में, 4 कुत्ते, 2 कुत्ते नीचे होते, 2 छत पे खड़े रहते खामखई, और वो जागते रहो. वो क्या क्यों कह रहा है जागते रहो भाई, वो जो चोर है उसको पता चल गया आ गया चौकीदार, जागते रहो क्यों जागे भाई, तुझे पैसे दे हम सोने के लिए. सो वी नेवर डेवलप्ड एज अ पीपल एज अ नेशन. और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी लीडरशिप यहाँ की थी नहीं. जो सोहरावर्दी साहब थे, ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, ही शुड हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ना सिंध में, ना पंजाब में. पंजाब में तो खैर 1000 साल से गवर्नेंस का कंसेप्ट ही नहीं. इफ आई टेल यू टू गो बैक 1000 years टू टेल मी कि 1000 साल से मुसलमान रह रहे हैं, कोई लीडर तो बताओ. दुल्ला भट्टी के अलावा कोई तो आदमी होगा इस 1000 साल में. नहीं नहीं, हम वी डोंट डू गवर्नेंस ना. हम कह देते हैं दुल्ली दूरस्त, अब घोड़े लेके चले जाते हैं तैमूर अंकल वहां पे, उनको लुटाते हैं. इन्होंने कभी ना लड़े ना डिफेंड किया. 65 की जंग में फूट निकल गई, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमने फतह किया, हमने पता नहीं कौन कौन से इलाके फतह करने का बताते रहते हैं. किस चीज से फतह? तारिक फतह को किया होगा, बाकी लोगों आप क्या से किधर फतह किया. डू यू नो 71 की वॉर में आई वॉज इन लाहौर एट द बॉर्डर, इन्होंने क्या इंडियन आर्मी से एग्रीमेंट की कि यार इतने बम ना मारना बाद बनाना पैंदा है. तो 71 में वागा के बॉर्डर पे पिस्टल भी नहीं चला. दोनों साइड ने कहा यार वो टूट जाता है बाद में फिर बनाना पड़ता है, कहीं और तुसी गोले हो जगह मारो. नथिंग हैपेंड. ए बंच ऑफ लूजर्स पार्टीशन करा के हमारी सत्यानाश कर दिया हमारा. जब मैं वहां के लोग देखती हूँ, जब मैं स्पेशली मुस्लिम्स कुछ देखती हूँ इंडिया के,
तो वो मुझे ऐसी इतने ही बावले लगते हैं जितने यहाँ के। मुझे हैरत होती है कि वहां रह के इतनी अजीब सी सोच कैसे हो सकती है। देखिए ये हमारा वो जो है कि वी आर सब नहीं मगर वी आर द लास्ट ट्रूथ, वी आर द पोजेसर्स ऑफ ट्रूथ, और बाकी सारी दुनिया काफिर है, झूठी है, बुत परस्त है, जहन्नम में जाए वो, हम हैं। अच्छा किसी तुर्की ईरानी को इंडोनेशियन को ये नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान को बहुत ज्यादा। हम तो जो है पान खाते हैं लखनऊ में, यूं चले आ रहे हैं और इस्लाम फैला देंगे पूरे हिंदुस्तान में, एक हिंदू नहीं बचो क्या? और फिर जो हिंदू नजर आता है कैसे, नमस्कार ठीक है आप। वी बिकम टू साइडेड पीपल, यानी हमें तो दुआ नहीं मांगनी आती, हमने रमजान का नाम रमादान कर दिया। हाँ रमजान बताइए, हाँ रमजान करीम, अरे भैया रमजान मुबारक होता था। अब अल्लाह हाफिज, मैं पिक्चर ढूंढ रही थी रमजान से पहले ट्विटर के लिए, तो मुझे सब रमजान वाली मिल रही थी, रमजान वाली मिल रही थी मेरे पास, मैंने रखी है मैं रमजान के। हम बकरा ईद कहते थे, वो बदल गया, ईद उल अजहा हो गया। अरे किधर से हो गया भाई, हमारे बुरके भी अच्छे होते थे सफेद रंग के, जिसको हम शटल कॉक बुरका कहते थे, अब आगे काले जिसे बच्चे रो जाएं डर के मारे। बिल्कुल बिल्कुल, अब यही हो गया है। और हम बदलते जब आपने अरब समझना शुरू कर दिया ना, उसकी वजह ये, लेकिन खैर जी हंस रहा है हम पे, हाँ पर्शियन हंस रहा है कि तुम लोग क्यों ये गलत बातें करते हो, प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, तुर्की नहीं हमको जान घास डालता। लेकिन एक हजार साल, सुने 1000 साल में किसी एक मुसलमान ने अपना नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा। ये आप उस जमीन से कर रहे हैं जिसने आपको पनाह दी, पहले अलफी का वो फैमिली आई यहाँ भाग के इमाम हुसैन से, क्योंकि उनके ताल्लुकात थे, क्योंकि राजा दाहे ने पनाह, नॉट वन। नीचे जो मानसून मुस्लिम जिसे मैं कहता हूँ, जो केरला और तमिलनाडु के, वहां पे भी, वहां पे हैं थोड़े बहुत के दर, जैसे फूल के नाम है उनको अडॉप्ट किया है उन्होंने इस तरह, हम तो बिल्कुल नहीं। हम शम्स के अलावा सूरज रखते ही झुलस जाएंगे। शमसुद्दीन देखे ना, हल गरीब में घूम रहा था भाई शम्स भाई, उसका नाम सूरज नहीं हो सकता, है उसी का नाम। ना 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 ना, सूरज तो हिंदू कहते हैं भैया। मेरी मदर की फ्रेंड, ये कजन जो है बल्कि, वो लंदन में, उनके बेटे का नाम आकाश है, यहाँ पर आया था तो अपना नाम काशिफ बता रहा था। मैं तो उसको आकाश ही कहती हूँ, मुझे आकाश नेम बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे थे यहाँ पे लोग अजीब अजीब तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे नाम काशिफ बता रहा है। तो आकाश में क्या, अच्छा नहीं, वो ज्यादातर यूके में ही रहा है भाई, फर्स्ट टाइम आया था शायद, तो बेचारा डर गया होगा या किसी ने डरा दिया होगा। हाँ नहीं, सही डरा, अकलमंद है। अब तो पूछते हैं, अब कौन है तू भाई, 65 की वॉर में जिसकी शक्ल इंडियन लगती थी उसे बंद कर दिया था जेल में, यू वर नॉट नेवर नॉट इवन बॉर्न देन। उसको काशी काशी बोलते तो वो समझ नहीं आती ना काशी, वैसे तो आकाश तो उसने दूसरों किसी को बताना ना पाकिस्तान में, तो कह रहा था मेरा नाम काशिफ है आकाश के बजाय, तो मेरा नाम उसके मुंह से ही नहीं निकल रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, एक्सेंट बिल्कुल उसका ब्रिटिश है ना, तो मैंने पहले आर लिखा, मैंने कहीं पढ़ो, कहते आर, मैं भी आगे जू लिख दिया, कहते आर जू, मैं कहा बस यही नाम है, समझ आ गई। Your show should be called R Zoo. R Thank you so much, sir. You welcome. And रोजे रखें और दुआ करें अपने मुल्क के लिए, बल्कि मैं तो एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं दिन में 4-5 रोजे रख लेता हूँ, और मेरी दुआ होती है अल्लाह ताला का इनको अकल दिलवा, कोई सही रास्ते पे डाल। मैं तो पकौड़ों के चक्कर में रख लेती हूँ, मुझे पकौड़े बड़े पसंद है, तो मैं आप नार रख के भी पकौड़े खा सकती हैं, ऐसा कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, वो तो है, लेकिन रमजान के अलावा बनते नहीं है ना इतने ज्यादा, रमजान में तो पकौड़े जरूर होते हैं, कुछ और ना हो सही। चल बहुत शुक्रिया सर, ओके खुदा हाफिज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।